नमस्कार, स्वागत है आपका बीबा दी कुकिंग में। आज की रेसिपी है वेजी पाई, जो कि बेहद न्यूट्रिटिव, आसान और जल्दी से बनने वाली। चलो मिलकर बनाते हैं वेजी पाई। वेजी पाई के लिए अब हम अपनी सारी वेजिटेबल को कट करते हैं। सबसे पहले कैरेट को हमने बारीक बारीक लंबा लंबा काटा है। उसके बाद हमने अपने आनियन को भी लंबा लंबा काटा है बारीक, और ये हमने अपने पोटैटोस को भी लंबा लंबा काटा है, ताकि एक साथ ही सब गल जाए। ज़्यादा मोटे हमने नहीं रखे हैं, जितने भी कैरेट और हमने पोटैटोस कट करे हैं। फिर हमने अपने बड़े वाले बॉल, कोई भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें सारी जो वेजिटेबल हमने कट करी है वो मिक्स कर देनी है। पोटैटोस, आनियन, उसके बाद हम इस पर कैरेट भी डालेंगे। आपकी जो पसंद की सब्जी हो आप वो भी ऐड ऑन कर सकते हैं इसमें। उसके बाद हम दो अंडों को, हमने दो अंडे लिए, टोटल हमने चार अंडे यूज़ करे हैं। दो अंडों को हमने तो अच्छे से वो ब्रेक करके इसको बीट करना है। पूरा जो इसका येलो वाला पार्ट है पूरा वो हो जाना चाहिए, मिक्स हो जाना चाहिए। हमने अपनी वेजिटेबल के ऊपर नमक डाला है। फिर उसके बाद हमने जो वाइट पेपर यूज़ करा है वो डाला है, ब्लैक पेपर डाला है हमने। उसके बाद हमने ये मैदा डाल दिया। आप बेसन भी डाल सकते हैं, नॉर्मल आटा भी डाल सकते हैं, आपकी चॉइस है। उसके बाद हमने कॉर्नफ्लोर डाला, और कॉर्नफ्लोर के ऊपर हमने अपना डाल दिया, ये सोया सॉस डाल दिया हमने, और सारा एग भी, हमने दोनों एग भी इसके ऊपर डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। ये हमने चिकन सॉसेस लिए हैं, मैंने इस पूरे में चार सॉसेस यूज़ करी है। इसको भी पोटैटो के जैसे लंबा कट करना है, और फिर हमने इस वेजिटेबल्स में जो हमने मिक्स करा हुआ है इंग्रेडिएंट्स, उसमें हमने ये चिकन सॉसेस भी अच्छे से मिक्स कर देना है। ये हमने गैस पे बड़ा वाला बर्नर यूज़ करा है, मीडियम फ्लेम पर। जब ये गर्म हो जाए कोटिंग करके, जो हमारा जितना भी वेजिटेबल्स हैं, एग है, कॉर्न है, मैदा है, सब मिक्स किया हुआ इस पर डाल देना सारा। और फिर हमने इसको प्लेटर या जो हमारे पास फॉक, जो भी हम यूज़ कर रहे हैं, उससे पूरा प्लेन कर देना, फ्लैट कर देना ऊपर से। नीचे हमारा गैस चल रहा है मीडियम फ्लेम, नीचे से कुक हो रहा है, अच्छे से हमने स्प्रेड कर देना। जब तक ये कुक हो रहा है तब तक हम जो बाकी के दो अंडे हैं उसको अच्छे से बीट कर लेंगे, और उसमें हमने ब्लैक पेपर और सॉल्ट डाल दिया है, फीका लगेगा अंडा नहीं तो। अब उसको हमने उस सारी वेजिटेबल के ऊपर ऐसे स्प्रेड कर दिया है। अब हम इसके ऊपर डाल देंगे हमारे जो सेसमे है, वाइट एंड ब्लैक, अच्छे से स्प्रेड कर देंगे, और उसके बाद थोड़ा सा ऑयल स्प्रेड कर देंगे ब्रश की मदद से। हम इसको क्लोज कर देंगे। दो तीन मिनट के बाद हम इसको पलट लेंगे। हम जो जहाँ हमने एग डाले थे वो वाला पार्ट भी पक जाएगा। दो से तीन मिनट बाद हम खोलेंगे। टोटल इसको कुकिंग में 8 to 10 minutes लगेंगे। 10 मिनट में हमारा वेजिटेबल, हेल्दी वेजिटेबल पाई बढ़िया तैयार हो गया है। ये मैंने गरम गरम कट कर दिया। थोड़ा ठंडा होने के बाद काटेंगे तो थोड़ा और थोड़ा सॉलिड हो जाएगा, अभी थोड़ा सॉफ्ट है। ये हम पीसेस में कट कर लेंगे, फिर हम इसको बिल्कुल रेडी है ये हमारा खाने के लिए। हम इसको सॉस के साथ ग्रीन चटनी भी बना सकते हैं, मिंट चटनी, टोमेटो केचप के साथ भी, हॉट एंड चिली सॉस के साथ भी, जो आपको सॉस पसंद हो उसके साथ हम लेंगे। मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, इवनिंग स्नैक्स, एज अ स्टार्टर हम इसको ले सकते हैं। बढ़िया अच्छा वेजी पाई बनी है। आप भी ट्राई करना और बताना आपकी वेजी पाई कैसे बनी। वेजी पाई मीन्स वेजिटेबल केक कैसा बना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और बेल बटन जरूर दबाना, ताकि अगला मेरा जो भी रेसिपी होगी आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। धन्यवाद।